हे गाइस व्हाट्सअप। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शर्ट्स एंड इंडेक्सेस का सेकंड पार्ट। पिछली वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट देखा है, जिसमें कि हमने शर्ट्स और इंडेक्सेस के बहुत सारे रूल्स कवर करे हैं। सो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, जिसमें कि बहुत सारे रूल्स है, जिसके थ्रू हम इस वाली वीडियो में क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व करेंगे। ओके, एंड ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर बार UPSC या SSC या फिर बहुत सारे स्टेट PSC में पूछे वाले क्वेश्चन है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो ये रहा पहला क्वेश्चन, क्या दिया है, 5 raised to 7 इंटू 5 raised to 4 डिवाइडेड बाई 5 to the power 8 इज इक्वल टू व्हाट। सो इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो अब सबसे पहले तो हमारा एक फॉर्मूला है, ओके, a raised to m इंटू a raised to n है। तो इसे ही हमने क्या लिख सकते हैं, a raised to m plus n। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 5 to the power 7 है, ओके, एन इंटू 5 to the power 4 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 raised to 7 plus 4 विच इज इक्वल टू 5 raised to 11। ये तो रहा हमारा पहला स्टेप। अब क्या आ जाएगा, 5 raised to 11 बाई डिवाइडेड बाई 5 raised to 8। ठीक है गाइस, इज इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू अभी भी निकालना है। तो सेकंड रूल था हमारा क्या, a raised to m बाई a raised to n है। तो इसको क्या लिखेंगे, a to the power m minus n। ठीक है गाइस, ये रहा हमारा सेकंड रूल। ओके, एंड ये था फर्स्ट रूल। ओके, तो फिर इसे क्या लिख सकते हैं, 5 to the power 11 minus 8 विच इज इक्वल टू 5 cube। ओके, और 5 का क्यूब कितना है, 125। सो दिस इज द आंसर विच इज ऑप्शन बी। ओके गाइस, जस्ट क्वेश्चन दो रूल्स है, ये फर्स्ट रूल या एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन का और सेकंड रूल डिवीजन का, ये दोनों यूज करना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किया दिया है √4/3 - √3/4 इज इक्वल टू व्हाट। तो अब इसका वैल्यू हमें निकालना है। ओके, √4/3 - √3/4। अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है गाइस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ये √4 है, सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। सो √4 × √4, ओके, माइनस √3 × √3 डिवाइडेड बाई √3 × √4। ठीक है गाइस, ये तो रहा पहला स्टेप। तो √4 × √4 इसे हम क्या लिख सकते हैं कि 4 to the power, अब इसका 1/2 प्लस इसका 1/2, 4 to the power 1 हो जाएगा। ओके, ऑल राइट, और इधर ही 3 to the power 1/2 × 3 to the power 1/2 मीन्स 3 to the power 1 डिवाइडेड बाई, ये कैसे लिखा हमने, वही रूल, a to the power m into a to the power n है। तो उसे हम लिखते हैं a raised to m plus n। तो यहाँ पर m की वैल्यू 1/2 है और n की वैल्यू भी 1/2 ही है। ऑल राइट, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 raised to √3 × √4 को इसको हम लिखेंगे √12। ओके, क्योंकि रूट को रूट एज इट इज़ और बेस का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। सो अब क्या आएगा, 4 - 3 डिवाइडेड बाई √12 विच इज इक्वल टू 1/√12। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, 1/√12 विच इज ऑप्शन ए। एंड हाँ गाइस, इसको हमने ऐसे कैसे लिखा मैं बात समझाता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 3 raised to 1/2 × 4 to the power 1/2। ओके, अब हमारे पास एक रूल था कि अगर a raised to m है मान लो और b raised to m है, तो इसको हम लिखेंगे a into b to the power m। ओके, तो ये रूल, ये एक और हमारा रूल है जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था। सो उसी तरह से हम इसे क्या लिखेंगे, 3 into 4 to the power 1/2 विच इज 12 to the power 1/2। सो √12 आ गया इस पर से। ऑल राइट, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसमें क्या दिया है कि हमें इसका वैल्यू निकालना है, इस सब का वैल्यू। ओके, कितना आएगा निकालना है। क्वेश्चन का लेंथ देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन होते बहुत ईजी है। ओके, सो इसे क्या करेंगे, 343 to the power 1/3 कर देंगे। तो 343 किसका क्यूब है, ये हमें निकालना है। सो विच इज √7। ओके, अभी ये बहुत ही बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए कि 343 इज़ द क्यूब ऑफ सेवन। ओके, ऑल राइट, अब नीचे क्या है, 1024 है, 1024 को हम क्या लिखते हैं, 2 to the power 10। ओके, 8 को 2 टू द पावर 3 और 4 को 2 स्क्वेयर। ओके,
एन टू द पावर 1/3, इसका क्यूब रूट निकालना बाकी है, इंटू 256 यानी 16 का स्क्वायर, ओके 16 का स्क्वायर इंटू टू द पावर 1/2 है। सो अब 7 डिवाइडेड बाई, अब ये 2 रेस टू 10 प्लस 3 13 प्लस 2 15 मीन्स 2 रेस टू 15 इंटू ये 1/3, ओके, और इंटू 16 का पावर 2 टू द पावर 1/2 मीन्स ओनली 16 आ जाएगा, विच इज 2 टू द पावर 4। ऑलराइट गाइस, ओके, अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर से आएगा 2 7 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 4। तो इस पर से हम फाइनली क्या लिख सकते हैं कि 7/2, क्योंकि 2 टू द पावर 5 में से 4 तो कट जाएंगे, एक बचेगा, सो सिंपली 2 बचेगा, सो 7/2 दिस इज देयर फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन डी। आई होप इतना आप सभी को क्लियर है, ओके गाइज। सो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें इस वाले क्वेश्चन का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपल है, 3 रेस टू पावर -2 को एज इट इज लिख देंगे, सो 3 टू द पावर -2 को एज इट इज लिखना है, ओके। अभी 81 को क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 4, ऑल राइट, ओके, और बचा क्या, 3 रेस टू 3/4 डिवाइडेड बाई 729 मीन्स 27 स्क्वेयर, ओके 27 स्क्वेयर एन टू द पावर माइनस 1/3 है, ऑल राइट। तो आप सिंपली 3 टू द पावर -2 इंटू यहाँ से आएगा 3 टू द पावर 3 और ये डिवाइडेड बाई 27 मीन्स 3 टू द पावर 3 और ये उसका स्क्वेयर है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे और टू द पावर माइनस 1/3 है, ओके गाइस, ओके। तो इधर से आएगा 3 ओनली मीन्स 3 रेस टू 3 -2, ओके डिवाइडेड बाई यहाँ से आएगा 3 टू द पावर, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ओनली -2 आएगा, ओके ओके। तो इधर से क्या बचता है फिर, 3 डिवाइडेड बाई 3 रेस्ट पावर -2 मीन्स एज यू नो कि यहाँ पर इसका 3 का पावर 1 है, यहाँ पर 3 का पावर -2 है, तो क्या कर देंगे, 3 का पावर 1 -2 विच इज 3 टू द पावर 3 विच इज 27। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर 27 विच इज ऑप्शन बी, ओके। सो ये रहा फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 5 रेस्ट पावर 2x-2 इज इक्वल टू 625, तो x का वैल्यू निकालना है। तो x कितना आएगा निकालने के लिए हमें क्या करना है, दोनों साइड इक्वल है तो इधर ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जिससे बेस 5 आ जाएगा। सो 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, और 25 क्या है, 5 का स्क्वायर और इसका पावर 2, तो इसे ही हम लिखेंगे 2 टू 5 टू द पावर 2 × 2 विच इज इक्वल टू 5 रेस टू 4। तो सिंपली क्या करना है, 5 टू द पावर 2x-2 को इज इक्वल टू 5 रेस टू 4 करना है। तो बेस सेम है तो हम इनका जो पावर है इसको इक्वेट कर लेंगे, सो 2x-2 इज इक्वल टू 4, सो 2x इज इक्वल टू 4 + 2 विच इज 6 और x इज इक्वल टू 3। ऑल राइट गाइज, सो फाइनली एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3 विच इज ऑप्शन सी। सो आज की वीडियो में बस इतना था गाइज, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन दबाना ना भूल, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे गाइज, ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।